सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। सदी 21वीं है, मगर इस आधुनिक युग की सदी में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी पीने के पानी के लिए त्राही त्राही करना पड़ रहा है। नागौर जिले के खिमसर तहसील में आने वाला भावंडा गांव भी उन्हीं में से एक। करीब 4000 से भी अधिक आबादी वाला यह ग्रामीण क्षेत्र यूं तो औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, मगर दुर्भाग्य से यही गांव पानी के साथ कई बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है। कुछ वर्षों पहले गांव की सीमा निकट प्रशासन ने 1,61,00,000 रुपए खर्च कर पानी की टंकी का निर्माण करवाया, मगर दुर्भाग्य से पानी की पाइपलाइन बिछाए बिना ही ठेकेदार ने इसी काम को अधर में छोड़ ग्रामीणों को पानी के लिए मोहताज कर दिया। सबसे अचरज की बात तो यह है कि यहां सुचारू रूप से चल रहे एकमात्र नलकूप भावंडा के बजाय चरडा गांव के लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहा है। ऐसे में भावंडा वासियों ने क्या पाप किया जिसके लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत भावंडा के अंदर 2018 के अंदर ओवरहेड टैंक स्वीकृत हुआ था, उसके बावजूद ओवरहेड टैंक तो बन चुका है और GLR जो है वो भी बन चुका है, उसके बावजूद हमारे ग्राम के अंदर जो पाइपलाइन डालनी थी वो अभी तक नहीं डाली गई है, और ठेकेदार को कई बार भी बताया गया है और प्रशासन को भी कई बार बताया है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या कारणों से हमारे गांव के अंदर पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। इसको 2 साल होने को जा रहे हैं, गांव की जनता पानी के लिए तरस रही है और सभी बोल रहे हैं भाई नहर का पानी मिलने वाला है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत को ओवरहेड टैंक बन गया है और GLR भी बन गया है और पूरे गाँव के अंदर पाइपलाइन डाल के और पूरी जनता को मीठा पानी पिलाने का कष्ट करावे। पानी इतना मरा और खड़ो करियो है नहीं बिगड़ जाए हुकुम। अच्छा, कितनी टाइम हुई चलू यार काम घड़ी हुई है, हुई दो पर हुआ करता ने। अच्छा अच्छा, पानी व्यवस्था उन गांव बिल्कुल ही नहीं करी हुई अणु ती धान सरपंच भैया ने हुई पानी में तेरा मरा हुकुम पानी कोनी बिल्कुल नडी नडी में बिल्कुल नहीं पानी नहीं है की दाव दन सर मर रही है। बताओ सा आप गई अच्छा काम ट्राई ट्राई कर रहा है पूरा गांव। कोई व्यवस्था नहीं है पानी नहर का पानी बात ही नहर पानी करो कह रहे करो पानी सुविधा करो गांव में कोई सुविधा नहीं है सर 2 साल से बस टंकी इधर उधर टंकी में पानी नहीं है। अच्छा, टंकी गिर जाएगी है नहीं हाँ जीव तो मिल जाएगा पानी पानी है को नहीं पानी पीना है क्यों राजू सिंह राजपुरोहित ग्राम भावंडा पिछले सरपंच भोम सिंह सरपंच साहब बने थे राठौड़ साहब पिछले साल में स्वीकृत हुई थी, काफ़ी साल हो गए कोई राजनीति कारणों की वजह से ये पानी का काम अटका हुआ है। जो ठेकेदार था उसकी मौत हो चुकी है और पूरे गांव में पानी की बहुत ही समस्या चल रही है, अभी तक इसका कोई निवारण नहीं हुआ। काफ़ी बार शिकायतें की जा चुकी हैं, अभी तक इसकी कोई समस्या नहीं, जल्दी से जल्दी पानी की समस्या से निजात दिलावे। शिकायतें किन करी? SDM साहब को दी हुई 181 पे की हुई है और जहाँ हो सके बार बार यहाँ टंकी के पास आके बहुत वो ETU पे दी हुई है, काफ़ी जगह दी हुई है। गांव भावंडा आसपास आयु पानी नहर वालों? हाँ, गांव के पास ये 2-3 किलो पर पानी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर राजनीति कारणों की वजह से रुका हुआ है, ना तो विधायक साहब ध्यान दे रहे ना MLA साहब दे रहे। अच्छा, बहुत ही समस्या, जल्दी से जल्दी पानी से निजात दिलाए और इंडस्ट्रियल एरिया है। बताओ सरपंच गाँव वाला कहीं है पूर्व सरपंच साहब भोम सिंह साहब ग्राम पंचायत भावंडा के अंदर 2018 के अंदर टंकी स्वीकृत हुई थी और उसके बाद में इसका काम चालू कर दिया था, उसके बाद टंकी बना दी जिसकी सीढ़ियां अधूरी छोड़ रखी है, उसके बाद पानी के स्टॉक के लिए उधर एक देखो GLR बना हुआ है, पंप हाउस बना हुआ है, पंप हाउस के अंदर कोई मशीनरी अभी तक नहीं लगी है, लाइट का यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ है,
और इस टंकी के अंदर आज तक पानी नहीं डला है, ना इस गांव के अंदर पाइपलाइन आज तक डाली गई है। और अगर सरकार इसी हिसाब से करेगी तो ये टंकी नीचे गिर जाएगी, तो सरकार के पैसे लगे हुए बेकार जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्दी इसकी पाइपलाइन डाल के गांव के अंदर सभी को मीठा पानी उपलब्ध करवाया जाए। सभी गांव के सभी इकट्ठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग ना, हाँ बड़े बुजुर्ग वगैरह सभी, और आपसे यही निवेदन है हमारा कि इस गांव के अंदर पाइपलाइन देके और मीठा पानी जल्दी उपलब्ध करवाए। क्या जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी दफ्तर के अधिकारियों की आर्थिक सांठगांठ का यह नतीजा है जिसका हर्जाना आज भी भावंडा गाँव के स्थानियों को भुगतना पड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।